लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। इंडियन रोटी बैंक का शाखा ने आज मनाया नूडल्स डे कार्यक्रम। जी हां, अक्षम समाज के बच्चों को टॉफी फ्रूटी आदि वितरण किया। कहा, गरीब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं। फिरोजाबाद इंडियन रोटी बैंक फिरोजाबाद शाखा द्वारा आज चारबाग स्थित अग्रवाल टिम्बर भोले बाबा की बगीची पर नूडल्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांजल सिंघल के साथ ही सभी पदाधिकारियों ने अक्षम समाज के बच्चों को नूडल्स, फ्रूटी, बिस्किट, टॉफी आदि वितरण कर उनके चेहरे पर खुशियां लाने का प्रयास किया। इस दौरान इंडियन रोटी बैंक के प्रांजल सिंघल का कहना रहा कि हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य केवल यही है कि अक्षम समाज, अर्थात जो अपनी रोजी रोटी के लिए सक्षम नहीं है और बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनकी व उनके बच्चों की मदद करना है। इसलिए हर सप्ताह में एक बार भोजन के पैकेट भी वितरण किए जाते हैं। आज नूडल्स डे मनाने के बहाने कई बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाने का प्रयास किया गया है, जिससे काफ़ी खुशी महसूस हुई। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। के संबंध में कार्यक्रम रखा गया है ये भैया, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इंडियन रोटी बैंक का कार्यक्रम चलता है, जो कि 13 राज्यों में 72 शहरों में चल रहा है। आज बच्चों के चेहरों पर खुशियां लाने के संदर्भ में इंडियन रोटी बैंक हर साल 1 मार्च को नूडल्स डे रखती है, जिसमें आप अक्षम समाज के बच्चों को नूडल्स, फ्रूटी, पेस्ट्री, बिस्किट, चॉकलेट्स आदि बांटकर वितरित कर उन बच्चों के चेहरों पर खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। और ये सब कार्य जनमानसों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा हम इस प्रोग्राम को करते हैं, जिससे कि नन्हे नन्हे बच्चों को साल में एक दिन खुशी मनाने का मौका मिलता है इंडियन रोटी बैंक परिवार की तरफ से। और हमारा बस लोगों से यही प्रयास है कि आप लोग भी अपने आसपास अक्षम समाज के बच्चों को खुशियाँ बांटने का कार्य करें। हम एक दिन कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें कि आप लोग भी ऐसे एक दिन निश्चित करें जिसमें आप करें, हो सके और भी दिन बढ़ाएं। हमारा भी प्रयास अभी यही है, अभी हमने साल में एक दिन का रखा है। बीच बीच में हम लोग संडे के दिन हमारा कार्य फिरोजाबाद में होता है, जिसमें हम लोग अक्षम समाज के बच्चों को, गरीबों को, बड़े लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं।